हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टेक्निकल कोच राकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल F5 ब्रैकेट। जिसमें हम आपको देंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जावा प्रोग्रामिंग विद ब्लूजे के ट्यूटोरियल सीरीज का ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने अपने सिस्टम में जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाना सीखे थे। आज के वीडियो में हम प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है वेरिएबल, जिसके बिना हम प्रोग्रामिंग करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। तो लेट्स टेक ए टूर ऑफ IT वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, जब भी आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द वर्किंग प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर, तो हम लोग का जवाब होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और हम लोग सोचते हैं कि ये इसी तरह से काम करता है, लेकिन ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली में इस जब भी हम लोग ये सवाल का आंसर देते हैं कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस कर देते हैं और इस इंपॉर्टेंट पार्ट को बोलते हैं स्टोरेज। ठीक है, होता एक्चुअली ये है कि जब भी कोई डेटा प्रोग्राम में या सिस्टम में इनपुट होता है, तो इनपुट करने के बाद पहले वो स्टोर होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद वो फिर से स्टोर होता है और स्टोर होने के बाद ही वो लास्ट में आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, तो सिस्टम का एक्चुअली जो वर्किंग प्रोसेस है वो होता है इनपुट स्टोर प्रोसेसिंग स्टोर देन आउटपुट। ठीक है, तो ये जो स्टोरेज पार्ट है प्रोग्रामिंग में, इस स्टोरेज पार्ट को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल को। ठीक है, तो वेरिएबल का वर्क क्या होता है? वेरिएबल का वर्क होता है कि प्रोग्रामिंग के थ्रू जो भी डेटा इनपुट हो रहा हो उसे तब तक स्टोर करके रखना जब तक कि मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है, और जैसे ही मेरा वर्क कंप्लीट हो जाता है तो वो डेटा ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि वेरिएबल में कोई भी डेटा टेम्पररी ही स्टोर होता है। तो वेरिएबल का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है कि वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ टेम्पररी एलोकेटेड स्पेस इनसाइड मेमोरी व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एट द रन टाइम। ठीक है, तो चलिए कुछ समझते हैं डेटा टाइप्स को। तो जब हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग में डेटा को इनपुट लेते हैं तो डेटा का अलग अलग वैरायटी होता है। तो जिस तरह का डेटा टाइप होता है, जिस तरह का डेटा का वैरायटी होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को अलग अलग टाइप के वेरिएबल को डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेटा टाइप दो टाइप का होता है। पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होता है कि वो ऐसा डेटा टाइप जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होता है कि वैसा डेटा टाइप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड नहीं है और हम लोग मतलब यूजर या प्रोग्रामर प्रिमिटिव डेटा टाइप का हेल्प लेकर कुछ अपना एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाता हो, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगेन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है न्यूमेरिकल, जिसमें नंबर से रिलेटेड डेटा रहे, और एक होता है नॉन न्यूमेरिकल, मतलब जिसमें नंबर टाइप का डेटा टाइप ना रहे, डेटा ना रहे। ठीक है, न्यूमेरिकल में भी दो टाइप का है, इंटीग्रल है और रियल है। इंटीग्रल मतलब नेचुरल नंबर और रियल में होता है डेसिमल नंबर। नॉन न्यूमेरिकल में आप लोग देख सकते हैं तीन टाइप का डेटा टाइप है, बूलियन, कैर मतलब कैरेक्टर, और स्ट्रिंग मतलब जिसमें वर्ड या सेंटेंस आता हो। ठीक है, तो हम लोग पहले इंटीग्रल टाइप को देखते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ठीक है, इंट मतलब इंटीजर होता है और लॉन्ग मतलब लॉन्ग इंटीजर होता है। ठीक है, इन चारों में डिफरेंस क्या है? तो इन चारों में सिर्फ साइज का डिफरेंस है। ठीक है, ये चारों डेटा टाइप बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग में नेचुरल नंबर ही आता है, लेकिन अलग अलग साइज का डेटा टाइप आता है। ठीक है, रियल नंबर में दो टाइप के हैं, फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल में डेसिमल नंबर आता है, फ्लोट का साइज डबल का साइज से छोटा होता है, और उसी तरह से डबल का साइज जो है फ्लोट्स के साइज से बड़ा होता है। नॉन न्यूमेरिकल में आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं बूलियन, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपका तीन तरह का डेटा टाइप है, एरे, स्ट्रिंग एंड क्लास। अब आप लोग का यहाँ पर सवाल हो सकता है कि स्ट्रिंग दोनों जगह क्यों है, नॉन न्यूमेरिकल में भी है, मतलब प्रिमिटिव में और नॉन प्रिमिटिव में भी है। तो जी हाँ, ये ऐसा हो सकता है क्योंकि स्ट्रिंग को जावा प्रोग्रामिंग में दो तरह से डिफाइन किया जाता है। तो वो स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव है या प्रिमिटिव है, तो वो डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है,
अभी हम लोग को नॉन पेरीमीटर डेटा टाइप के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, अभी हम लोग को सिर्फ पेरीमीटर डेटा टाइप को जानना है, इसलिए आज हम लोग एरे, स्ट्रिंग और क्लास के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी आकर आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें किस टाइप का डेटा टाइप को एक्सेप्ट किया जाता है, इसका कुछ एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटीग्रल में पहला है बाइट, जिसका साइज है 8 बिट्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1 बाइट, क्योंकि हम लोग जानते हैं 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है। तो इसमें हम लोग कुछ इस तरह के छोटे छोटे नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप का नंबर को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जितने भी टाइप का नंबर देख रहे हैं, जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, इन सारे प्लेसेस में आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों ही टाइप का नंबर को आप स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट का साइज होता है 16 बिट्स या फिर बोल सकते हैं 2 बाइट्स, तो इसमें शॉर्ट बाइट के कंपेयर में थोड़े से बड़ा साइज का नंबर को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन आता है इंट, जिसका साइज होता है 32 बिट्स या 4 बाइट्स, और फिर लॉन्ग आता है लॉन्ग, जिसका साइज होता है 64 बिट्स या फिर 8 बाइट्स। उसी तरह से रियल नंबर में दो टाइप का डेटा टाइप है, फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल में हम लोग डेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि फ्लोट का जो साइज है वो 32 बिट्स या 4 बाइट्स है, और डबल का साइज 64 बिट्स या फिर 8 बाइट्स है। नेक्स्ट जो नॉन न्यूमेरिकल में है, और नॉन न्यूमेरिकल भी यहाँ पर प्रिमिटिव में ही आता है, तो उसका जो टाइप है वो होता है बुलियन और कैर। एक और था स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के बारे में आज हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बुलियन का जो साइज है वो 1 बिट है। 1 बिट मतलब ट्रू फॉल्स। आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है, जो कि बाइनरी डिजिट नंबर होता है, इसलिए उसका साइज 1 बिट है। और कैर का यहाँ पर साइज 16 बिट्स है, जिसका मतलब होता है कि वो 2 बाइट्स है। ठीक है, तो ये था हम लोग का वेरिएबल का सेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का सेशन पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अगर कुछ डाउट बाकी है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जावा प्रोग्रामिंग के टाइप्स के बारे में जानेंगे, और साथ ही उनमें से एक टाइप के प्रोग्राम को बनाना भी सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपसे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।